दोस्तों आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कैमल रेस ऊंट दौड़ जो कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाली है। ये रेस बाड़मेर जिले के बीसासर गांव में हो रही है। आज पांच ग्रुप हैं इसमें। हाँ हाँ, ए बी सी डी ई, पांच ग्रुप हैं। पांच ग्रुपों में पांच पांच जने, पांच ग्रुप में पांच ऊंट डाले जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप में पांच एक पांच ऊंट डाले जाएंगे जिसमें दो दो ऊंट निकाले जाएंगे। पांच ग्रुपों के दस ऊंट निकलेंगे। दस में से पांच पांच का दो ग्रुप बनेगा। दो ग्रुप में ए बी सी निकलेगा जिसमें थर्ड रहा वो तीसरा नंबर का होगा। अच्छा, इसमें वो इनाम विजेता को क्या दिया जाएगा? 5100 रुपए दिए जाए नकद। फर्स्ट को, सेकंड को 2100 रुपए और थर्ड को 11। दोस्तों आज की रेस रोमांचक होने वाली है क्योंकि इतने सारे दर्शक आ रखे, इतने सारे ऊंट उनके मालिक। आज की रेस रोमांचक होने वाली, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखना दोस्तों। कितने साल से ऊँट है आपके पास? मेरे पास तो पहले बुढ़िया रखते थे जी, 10 साल से हमारे पास। कौन सी नस्ल का है? सांचोरी। सांचोरी नस्ल का है। अच्छा, आपने पहले ये कैमल रेस कर रखी है पहले कहीं? हाँ, कैमल पहले रेस थी। कहाँ पर? यहीं पर। और इसके बाद बाड़मेर जिले से बाहर कहाँ गए? सब जगह गए, तो मेड़ा में और रेस होते वो वहाँ जाते हैं। कितने मतलब ऊँट यहाँ पर रेस लगाने वाले? रेस लगाने वाले तो काफी हैं, 100 से लगभग प्लस। 100 से प्लस है। सभी को बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ये साल में कितनी बार होता है यहाँ पर आपके गांव में? साल में एक बार होता है। दोस्तों जो दर्शक और जो ऊँट के मालिक है वो साथ मिलकर चाय वगैरह पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं क्योंकि अभी रेस स्टार्ट होने में कुछ समय बाकी है। दोस्तों जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर दर्शक आए हैं, उनको मनोरंजन के लिए कुछ गाने भी गा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुन सकते हैं उनको। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग एकत्रित हो रखे हैं। ये लोग ऊँट रेस को देखने के आ रखे हैं और यहाँ पर उनके मालिक भी ऊँटों के पास में खड़े हैं। रेस स्टार्ट होने में कुछ समय है क्योंकि आसपास के ऊँट हैं, कुछ आने वाले, इसलिए उनका इंतजार हो रहा है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना दोस्तों। फाइनली दोस्तों ऊँट रेस के लिए रेडी है और इस रेस के जो नियम है वो ऊँट मालिकों को बता दिए गए हैं। आसपास आप देख सकते हो कितने सारे लोग एकत्रित हो रखे हैं इस रेस को देखने के लिए। रेस कुछ ही समय में स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ऊँट रेस के लिए रेडी हो चुके हैं। ऊँट सामने की तरफ से जाएंगे, वहाँ से दौड़ कर यहाँ तक आएंगे। फर्स्ट राउंड है। हाँ, जिसमें कबीर का आउट फर्स्ट नंबर आया पहले ग्रुप में। हाँ, अब कौन सा ग्रुप है? बी ग्रुप में है। वो भी पांच है? पांच। तो अभी पांच ऊँट बी ग्रुप में और आने वाले हैं। तो अभी बी ग्रुप का जो है रनिंग स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी पांच ऊँट है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। साल में कितनी बार होता है ये?
कैमल रनिंग है जो ऊंट जो रेस हो रही है ना, साल में कितनी बार होती है आपके गांव में? हर साल होती है। हर साल होती है। वैसे छोटा मोटा कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं एक महीने में, और हमेशा हर साल इस वक्त करते हैं। ये करने का मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों का? बस खुशी माहौल बने और मतलब लोगों को अच्छा उत्साह मिले। अच्छा, ग्रुप का है बी ग्रुप में जिसम का आउट फर्स्ट नंबर आया है। बी ग्रुप में? हाँ, बी ग्रुप में जिसम का आउट फर्स्ट नंबर आया है। अच्छा, ओ जुसिया जुसिया कटाल बार जुसिया आउट बार करो जुसिया बार का डेढ़ लाख जुसिया है तो बी ग्रुप में यूसुफ खान का जो ऊंट है वो फर्स्ट नंबर पर आया है, तो उसको अलग रखा। जी भाई मैं मानती हूँ ये सोरा गांव का है। सोरा गांव का है बाबा, सोरा गांव का कह रहे हो? सोरा गांव का उठा जी हुआ इनाम घटना आयो। सी ग्रुप के छोटे छोटे उठूंगा, छोटे छोटे ये भी पांच है। हाँ, पांच जो अंदर में के ओ हीरा हल्ला।